अपना ने गिफ्ट दे दिया हमको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं हम तुम यात्री और मैं हूं आपका गुलशन यादव। आज फिर से अप्पू घर आया हूं मैं फैमिली के साथ। फैमिली मेरी अंदर जा चुकी है, तो दोबारा क्यों आया हूं, दोबारा भी यहां पे एक हरियाणवी स्टार आ रही है, तो वो आपने शायद थंबनेल पे देख भी लिया होगा। तो भाई एंट्री यहाँ से हो जाती है आपकी, और एंट्री करने के बाद आपको जो कैश टिकट लेनी होती है वो यहाँ पे मिलती है, और ऑनलाइन टिकट मिलती है उधर। तो ये अपने 1-5 काउंटर जो हैं कैश टिकट्स के लिए है, और जो 6-7-8 है वो वहाँ पे ऑनलाइन टिकट्स के लिए है। तो यहाँ पे आप देखिए टिकट प्राइस ये हैं, और 4 फिट तक के बच्चे के लिए हैं ये 899 रुपये, 3 से 4 फिट के बच्चे के लिए। 3 फिट से नीचे के बच्चे जो है वो फ्री है। अप्पू घर पार्क में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ DRS डील के बारे में। तो DRS डील ऐसी होती है जिसकी हमने 1399 रुपये में यहाँ से कैश टिकट लेते हैं, तो यही टिकट आपको पड़ सकती है 999 की। और 999 की टिकट कैसे पड़ेगी, उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इन पर आपको कॉल करना पड़ेगा, यह है DRS वालों का नंबर, और फिर टिकट आपको जाके लानी पड़ेगी इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से, तो उसके बाद आपको टिकट 999 की पड़ेगी। तो ऐसे ही मैंने, अब मेरी तो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री थी यहाँ पे, और जो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है उनकी टिकट मैंने DRS के थ्रू ही ली है, तो मुझे 1200 रुपये का फ़ायदा हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ से लेता तो वो मुझे 4200 की पड़ती, अब मुझे वहाँ पे 3000 रुपये की टिकट पड़ गई। तो चलिए चलते हैं अप्पू घर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो भाई अप्पू घर की एक जो कमी है ना वो ये है कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम रेंट पे नहीं मिलती, यहाँ पे कॉस्ट्यूम आपको परचेज ही करनी पड़ेगी, और लोकर भी मिल जाता है यहाँ पे। तो इसका जो टिकट वो एक्चुअली ड्रेस का जो प्राइस रहता है वो कुछ इस तरह से है, आप देख लेना ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं हूँ थोड़ा जल्दी में। चलो लेट्स गो। और जब मुझे पता चला मेरी टीम कोऑर्डिनेट करती रहती है, यहाँ पे कई बच्चे ऐसे आए हैं जो मेरा फैन पेज चलाते हैं। कौन कौन है, है झूठा, एक बात अक्षर पर झूठ बोल जाए भाई, किसी ने थामो चाहे नहीं थामो, इस लाल कच्चे आ रहे थे थाम लिया भाई, तेरा लग जाएगी सही में तैयार है, तेरा लग जाएगी चल कर ले उतर जा। बचपन में समझाया करा ना भाई, जिसके गुंडड़ी मुंडड़ी वाले बार उसको बच कर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद लड़ी, एक कलाकार की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप लोग मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हर साल में कहीं ना कहीं तो मैंने सुनने में आ जाए कि भाई बस कोरिया सपना का बस ईब जाली बस ईब कुछ नहीं होगा, जब तक थारे जैसे जिंदा है ना मैं भी जिंदा रहूंगी। मैं वो भूत हूँ जो मरने के बाद भी आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार जरूर अब जो जो थारे जी में हो वो बता रही हूँ।
मैं जो हूँ जैसी हूँ छोटी हूँ बड़ी हूँ उसकी वजह से हूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार से खरीदा हुआ है और हमेशा ही प्यार बनाए रखना। मेरे बाल सफेद हो जाए, दांत टूट जाए, तब तो तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तुम तो देखोगे शो, तो देखते ना देखते, तो डांस करोगे। करेंगे आपको बता दिया जाएगा। भाई को नाचू जब मैं तो ज्यादा से तू नाचा जब तेरा दांत दांत टूटता है ना रात रात मेरा फटता भाई। जो जो मर गए भाई वो ऊपर बैठ के शो सबसे हाई बिग फैन ऑफ सपना नहीं हो अगर सपना तेरा डांस देख के कह देगी मुझे तो कुछ आता ही नहीं। Thank you.
किसी को कुछ दो मेरी तरफ से एक ये उस लड़की का बात है लड़कियां लड़का है जो भाई हटी एक बार आगे जान दियो भाई हटी अरे फुट उतार भाई सपना ने गिफ्ट दे दिया हमको कोई नहीं गिफ्ट 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 मिले ना मिले कॉम्प्लीमेंट मिल गया वो सबसे बड़ी बात है क्या गिफ्ट पता नहीं वो आगे ले लिया उन्होंने आया ही नहीं गिफ्ट इस तक भेजो इसको सपना में मिलेगी गिफ्ट जरूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट मिल गया वही बहुत है नहीं नहीं उसको वही देंगे ना सभी के लिए आई लव यू ऑल आई लव यू लव यू बाय बाय सी यू राम राम जय हरियाणा चलो अनबॉक्सिंग करते हैं गिफ्ट की ऐसे ऐसे खोलो ना सीधा वली इस बच्चे को गिफ्ट दो भाई फोटो फ्रेम चलो फोटो फ्रेम हो या जो भी हो गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना बस ठीक है फोटो फ्रेम दिख रहा है तो क्या चाहिए और कैसा लगा बहुत अच्छा लगा ना यार कुछ भी गिफ्ट मिलता है तो अच्छा लगता है नहीं हम सपना चौधरी ऑल्सो भाई एक ये लगा रखा है यहाँ क्या पूरा तलवार ले खड़ा है भाई 2 किलोमीटर का कर दियो पर रहने दे यार सावन चल रहा है 1 2 3 गो तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड इस छोटी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं अभी में तो मजा नहीं आया भाई छोटी वाली में मजा नहीं आएगा हमें आएगा बड़ी वाली में मजा तो बड़ी वाली में चलते हैं अभी अजगर के मुंह में फंस गया हूं मैं अजगर के मुंह में ऐसे निकल रहा हूं भाई खतरनाक अजगर है और ये ऐसा अजगर है जिसके दोनों साइड में मुंह है भाई एक इस साइड का मुंह है एक उस साइड में मुंह है दोनों साइड में अजगर का मुंह है तो फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छा है हमने करा ली है वो सबसे खतरनाक स्लाइड कौन सी है नहीं यहाँ पे इस वाली में तो सर ऊपर वाली है ब्लू वाली ना ब्लू वाली चलो ब्लू वाली करते हैं तो फिर आप जाओ पहले डर लग रहा है चलो मैं जाता हूँ फाइनली करेंगे हम स्लाइड वाली काफी डेंजर स्लाइड है ओ भाई अंधेरा आ गया रे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भगवान कसम आके देखो फाइनली उजाला भी आ गया देख रहे हो क्या हालत हो गई है चश्मा सब निकल गया नाक में पानी घुस गया ये है भाई स्लाइड सबसे खतरनाक इसकी प्ले स्ट्रक्चर की एरिया ये भी है यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ है काफी अच्छा है ये भी वेव पूल के एरिया में फिलहाल वेव नहीं चली है लेकिन पूल इनका काफी अच्छा और बड़ा है तो भाई यहाँ पे भी जैसे अपनी फनफूड विलेज में लगी थी यहाँ पे भी सारी शेक्स लगी हुई है और ये रेस्ट एरिया हो गया एक तरह से पर पूल के साथ में बीच के साथ में एक्चुअली बीच वाली फील देता है ये पूल तो बीच के साथ में शेक्स होती है जैसे गोवा में मिलती है हमें तो इधर भी एक पूल एरिया है और भाई पूल बोट दिखा रहे हैं तो
और ये भी भाई पूल एरिया है, यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं और ये भाई लोग भी मस्ती कर रहे हैं, सारे बॉडी बिल्डर है भाई, फुल दो टाइम जिम जाते हैं। ये क्या बात है, तो भाई मस्त मजा आता है ऐसे भाई लेते हैं, जब ग्रुप में आते हैं ना फ्रेंड्स के साथ तो एक अलग मजा आता है, और फैमिली के साथ आते हैं तो एक अलग तरह का मजा आता है। तो यहाँ पे मतलब फैमिली और फ्रेंड्स सभी मजा ले रहे हैं भाई, सपना को देख लिया इनकी तो तसल्ली हो गई, बल्ले बल्ले हो गई सपना को देखने के लिए, दिल्ली विल्ली नहीं पता कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे राजस्थान तक के, तो ठीक है भाई उनका सबका सपना पूरा हो गया। बच्चा गैंग आ गई है अपनी अपनी ट्यूब लेके, 92 फीट वाली स्लाइड करनी है, नहीं ट्यूब हो रहा जा खा लो, नहीं मुझे ट्यूब नहीं चाहिए, आप लोग लो चलो। अरे क्या कर रहे हो आपस में टक्कर मार रहे हो, क्योंकि हमारा लाइट वेट है बेटा। पलट गया ना, वाले पलट रहे। अभी टैटू तो मस्त लग रहा है यार तेरा, क्या छप रही है, घड़ी छप रही है क्या? हाँ क्या टाइम होगा? टाइम भाई 6:30 हो गए, लेकिन भाई की शायद 3 बज रहे हैं, लेकिन ये तो अलग अलग कंट्री का है ना, पता नहीं कौन सी कंट्री की दिखा रही है भाई ये टाइम, इसी कंट्री इंडिया की दिखा रही है। और ये भाई आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, आत्महत्या करने की भाई होगी पूरे भाई में तो। फाइनली वी डन इट, डेज रिवर खत्म। घर को एक चीज बहुत ही खास बनाती है वो है इसकी ये वाली स्लाइड, इस वाली स्लाइड की हाइट है 92 फीट, इंडिया की सबसे ऊंची स्लाइड है जो कि अप्पू घर में है, और भाई इसको करने के लिए तो जिगरा चाहिए, और जिगरा भी चलो मेरे पास है, लेकिन अभी टाइम हो गया है 6:45 और 7 बजे अप्पू घर का क्लोजिंग टाइम हो जाता है, तो अभी थोड़ा रश है ऊपर तो टाइम लग जाएगा, इसलिए ये फिर हम फिर कभी कर लेंगे, अभी फिर बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो भाई ये है रेन डांस एरिया, और अब चलते हैं थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।